ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये है भारत की ताकत। हाल ही में हमने हाई स्पीड फेरी बनाकर तैयार कर दी है और इसे भारत और श्रीलंका में अब चलाया भी जा रहा है। आप इसकी स्पीड सुनकर चौंक जाओगे। 40 नॉटिकल माइल्स इसकी स्पीड है, दैट मीन्स रफली 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो कि इसे हाई स्पीड फेरी सर्विस बना देती है। भारत और श्रीलंका के नागापट्टिनम और कान के सांतुराय, इन दोनों पोर्ट्स को ये कनेक्ट करती है केवल 3.5 घंटे के भीतर और इसकी कुल दूरी है लगभग 110 किलोमीटर की। बताया जाता है कि 4 दशक पहले ऑलरेडी ये सर्विस थी, लेकिन श्रीलंका में ही सिविल वॉर्स के चलते इस सर्विस को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर से अब 4 दशक बाद ऐसी हाई स्पीड फेरी सर्विस अब शुरू हो चुकी है। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट हमें कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले समझते हैं कि इस फेरी की क्या खास बात है। इस फेरी की कैपेसिटी 150 पैसेंजर की है। इसकी वन वे टिकट भी 7,600 रुपीस की आती है, लेकिन राउंड ट्रिप 13,000 रुपीस की है। भारत और श्रीलंका के सिटीजन बिना कोई वीजा के इस फेरी को ले सकते हैं अपने ट्रैवलिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या बड़े बेनिफिट्स भारत एक्सपेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो है हमारी कनेक्टिविटी एनहेंस करना, दूसरा है ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करना, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के कब्जे में है, ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि हम भी काफी हाई स्पीड कनेक्टिविटी श्रीलंका के साथ कर लें, और अब ये हाई स्पीड फेरी चला दी है हमने। तीसरा बेनिफिट है इससे टूरिज्म काफी बूस्ट होगा। चौथा बेनिफिट होगा हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पांचवा, इससे कल्चरल टाइज भी काफी मजबूत होंगे। सिक्स्थ, पिलग्रिमेज कन्वीनियंस अब काफी इजी हो चुका है जो भी रिलीजियस साइट है उनको विजिट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्गो सर्विसेज के लिए अब एक काफी ह्यूज पोटेंशियल हमें देखने मिल रहा है। इस पूरी फेरी सर्विस हाई स्पीड फेरी को ओन करती है हमारी भारतीय कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इन सब से एक देश जो सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है चीन। चीन को बिल्कुल नहीं चाहिए कि भारत अपनी कनेक्टिविटी श्रीलंका से इतनी ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन भारत ने यही करके दिखा दिया है। और इस काम के लिए तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी चैनल लिखना ना भूलिएगा।